टेस्ट टू डिस्कस करेंगे, जो जिसका सिलेबस था चैप्टर 17 इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। क्वेश्चन पेपर भी आपके सामने होना चाहिए और सॉल्यूशन भी आपके सामने होना चाहिए, ताकि जो भी फिगर्स हैं वो आप साथ साथ कैलकुलेट करते जाएं और साथ साथ मैच करते जाएं। जी, हमारे इस टेस्ट में तीन क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन 1, 2, 3। कंपैरेटिवली क्वेश्चन 1 और 2 निस्बतन इजी थे और क्वेश्चन 3 में कुछ कैलकुलेशंस ज्यादा थी, ठीक है। और उनकी एक रीजन ये थी कि कैलकुलेशन मिलियंस में थी, तो कुछ फिगर्स जो ऑलरेडी मिलियन में थी वो आप शायद राउंड ऑफ इन थाउजेंड आपने किया होगा, और जो फिगर्स राउंड ऑफ नहीं थी उनको आपने राउंड ऑफ करना था। ये एक छोटा सा कैलकुलेशन होती है जो हमें क्वेश्चन में करना पड़ती है जब क्वेश्चन में फिगर्स बड़ी हो। स्टार्ट करते हैं पहले हम क्वेश्चन नंबर 1। जी एंड वाले भाई, नजर आ रहा है आपको क्या लिखा हुआ है? चलिए, JKL इज कंसीडरिंग वेदर टू इन्वेस्ट इन द परचेज ऑफ ए न्यू मशीन कॉस्टिंग ₹250,000। ठीक है, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में मशीन की कॉस्ट है 250,000, तो ये क्या होगा, तो फिर ट्रीटमेंट क्या होगा, ये नॉट में आउटफ्लो होगा हमारा। शाबाश। द मशीन विल हैव ए 4 ईयर लाइफ एंड ए नेट डिस्पोजल वैल्यू ऑफ ₹100 एट द एंड ऑफ ईयर 4। ये जो डिस्पोजल वैल्यू है 100,000, ये क्या है, इनफ्लो किस साल में बताया करें, ईयर 4 में ये इनफ्लो होगी। अच्छा, 4 साल का प्रोजेक्ट है, मुझे कितने कॉलम लगाने चाहिए, बनाने 5 कॉलम बनाने चाहिए, ईयर नॉट, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 और ईयर 4। किस केस में मुझे छठा कॉलम भी बनाना पड़ेगा? अगर कोई भी इनफ्लो या आउटफ्लो नेक्स्ट ईयर में जा रहा होगा, ठीक है। जैसे अगर कोई हमारी लाइबिलिटी नेक्स्ट ईयर में पे हो रही है, तो इसका मतलब है हमें फिर लास्ट ईयर का एक नेक्स्ट ईयर भी बनाना पड़ेगा, ठीक है, जो कि ईयर 5 होगा। तो इसमें फिलहाल अभी हमें कंफर्म नहीं है कि नेक्स्ट कॉलम हमने बनाना है कि नहीं, पहले का ट्रीटमेंट हमने क्लियर कर लिया। फिर इन एडिशन ₹35,000 ऑफ वर्किंग कैपिटल विल बी रिक्वायर्ड फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट से क्या मुराद है? ईयर नॉट। ईयर नॉट में क्या करना होगा? 35,000 हमारा आउटफ्लो होगा। और फिर क्या कह रहा है? फिर कह रहा है इंक्रीजिंग ₹250,000 एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर इस वर्किंग कैपिटल को बढ़ा के आपको 50,000 तक करना पड़ेगा, यानी 35 ऑलरेडी है, बढ़ा के 50 करना है, तो कितने से इंक्रीज आएगा? 15,000। अच्छा, 15,000 किस ईयर का आउटफ्लो होगा? ईयर 1 का। बिल्कुल, आपको पता है ना कि ईयर 1 में हम अज्यूम करते हैं पूरे इन्वेस्टमेंट कि जितने भी कैश फ्लो अकर हो रहे हैं कब अकर हो रहे हैं, एंड ऑफ द ईयर। तो अगर कभी कहे कि कोई कैश फ्लो हुआ है एट द एंड ऑफ ईयर 2, तो आपने किस ईयर में उसको लेना है, ईयर 2। और अगर कहे कैश फ्लो अकर हुआ है एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 3, बिगिनिंग ऑफ ईयर 3 का मतलब क्या होता है, ईयर 2, और बिगिनिंग ऑफ ईयर 1 का मतलब क्या है, ईयर नॉट। शाबाश। All the working capital will be recovered at the end of year 4. लिखा होता ना लिखा होता हमें पता था कि जितना भी working capital है वो end में जाके recover हो जाता है। तो last year कौन सा हमारा? Year 4. Year 4 में क्या treatment होगा? 50,000 हमारा inflow आ जाएगा। Clear? आगे चलते हैं। The project is expected to generate extra annual revenue of ₹200,000 and incur cash operating cost of ₹50,000 for each year of the project. यानी हमारा sales revenue कितना है? 200,000. Year 1 में भी, 2 में भी, 3 में भी, 4 में। Simple question, उसने कोई हमें adjustment नहीं दी कि पहले साल के बाद दूसरे साल में 5% increase आएगा, फिर 7% आएगा, फिर कोई एडजस्टमेंट नहीं दी। इन्फ्लेशन की भी कोई बात नहीं की। अगर इन्फ्लेशन की बात करता तो हम प्राइस को हर साल उस लिहाज से इंक्रीज करते जाते, आपको पता है ना। और अगर क्वांटिटी इंक्रीज की बात करता तो फिर सेल्स क्वांटिटी को हर साल इंक्रीज करते जाते। हमने शायद कोई क्वेश्चन किया है जिसमें उसने क्वांटिटी को भी इंक्रीज करवाया था और फिर इन्फ्लेशन की वजह से सेल प्राइस को भी इंक्रीज करवाया था, लेकिन यह सिंपल क्वेश्चन उसने रखा। उसने कहा जी हर साल की सेल्स होगी 200,000 और कॉस्ट क्या होगी? 50,000 फॉर ईच ईयर ऑफ द प्रोजेक्ट। JKL's कॉस्ट ऑफ कैप, ये तो आ गया हमारा 50,000 आउटफ्लो।
200 इनफ्लो हर साल का और 50,000 हमारा हर साल का आउटफ्लो हो गया। JKL's cost of capital is 10% after tax. इसकी cost of capital क्या है? Cost of capital किस लिए use होगी? Discount end में net present value calculate करने के लिए। यहां तक clear? कोई problem? कोई problem नहीं। Next, corporate tax is charged on profits at 35%. इसका मतलब है tax वाला adjustment है? प्रॉफिट टैक्स का रेट क्या है? 35%। तो मुझे बताइए उसी फॉर्मेट में हम कैलकुलेशन कर देंगे या के नीचे अलग से फॉर्मेट बनाएंगे? अलग से फॉर्मेट, शाबाश। अब जब अलग से फॉर्मेट बनेगा उसमें कौन सी फिगर आएगी? इक्विपमेंट वाली आएगी, सेल्स की आएगी, कॉस्ट की आएगी, एक और फिगर लेस होगी, वो क्या है? डेप्रिसिएशन, शाबाश। तो डेप्रिसिएशन उसने हमें अभी तक बताई है? हाँ नीचे बताई है। तो हम उसको डेप्रिसिएशन को भी लेस करेंगे। कैरेट टैक्स इज पेबल इन द ईयर फॉलोइंग द ईयर इन विच द प्रॉफिट अकर। इसका क्या मतलब है? जिस साल में हमारा प्रॉफिट आया है उसका टैक्स हमें नेक्स्ट ईयर में देना है। इसका मतलब है इसमें ईयर 4 तक नहीं, हमें आगे ईयर 5 तक भी जाना पड़ेगा। ये लाइन बहुत अहम है। Tax is payable the year following the year in which profits occur. ये लाइन हमें क्या बता रही है? कि हमने year 4 के अलावा अगले भी एक साल, क्योंकि अगले साल क्या करना है? इसका हमने टैक्स पे करना है। There will be 25% annual writing down allowance on capital expenditure for tax purposes. Tax allowance depreciation is calculated by reducing balance method. कैलकुलेटर है आपके पास? सॉल्यूशन आपके सामने है? जरा कैलकुलेशन कीजिए, फटाफट कैलकुलेशन कीजिए जैसे करवा रहा हूं। टैक्स की कैलकुलेशन देखे, सेल्स की फिगर आ रही है, यही है। कॉस्ट ऑफ सेल्स की फिगर आ रही है, यही है। अब हर साल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें, कैलकुलेट करें अपने हाथ से और टिक लगा ले साथ थोड़ा सा। अगर फिगर मैच हो जाए ना तो सॉल्यूशन पे टिक लगा ले। शाबाश, जल्दी से करें, जल्दी। सॉल्यूशन किधर? आमने सामने रखें। सेल्स में जी भाई ये कह रहे हैं सोल्यूशन नहीं मिला, उनको दीजिए। जल्दी से टैक्स की कैलकुलेशन मुझे ओके कीजिए अपने हाथ से। डेप्रिसिएशन ठीक हो गई। अच्छा, डेप्रिसिएशन के अलावा एक और चीज का ट्रीटमेंट भी हम इंक्लूड करते हैं, डिस्पोजल गेन और लॉस ऑन। अगर क्वेश्चन में ये कह दे कि मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट, क्या कह दे? मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट, इस लाइन का क्या इंपैक्ट आएगा? कोई गेन या लॉस नहीं है। लेकिन मुझे बताइए ऊपर जो हमारा मेन कैश फ्लो है उसमें लास्ट ईयर में कोई अमाउंट आएगी? यस सर, इनफ्लो। हाँ, इनफ्लो आएगा डिस्पोजल वैल्यू का। ठीक है, डिस्पोजल कर रहे हैं कैरिंग अमाउंट के ऊपर ही। डिस्पोजल से हमें पैसे जरूर मिलेंगे सेल से, लेकिन उससे प्रॉफिट या लॉस कोई नहीं होगा। आपको पता है किसी क्वेश्चन में, दो तीन क्वेश्चन हमने किए थे, उसमें ये भी लाइन थी कि डिस्पोजल वैल्यू इज इक्वल टू कैरिंग अमाउंट। तो डेप्रिसिएशन, ये टैक्स की कैलकुलेशन देखे सारे स्टूडेंट्स ने कर ली है? yes, भाई एंड वाले भाई, आप कैलकुलेशन हो गई आपसे डेप्रिसिएशन की? पक्की बात है भैया, क्लियर हो? क्लास में कोई एक स्टूडेंट ऐसा जिससे डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन ना हुई हो गई कैलकुलेशन? अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि ईयर वन का जो टैक्स है, जो ईयर वन का टैक्स है वो ऊपर ईयर वन के आउटफ्लो में आना चाहिए ना? क्यों? फॉलोइंग ईयर में शाबाश पे हो रहा है, इसलिए ईयर वन का टैक्स पे होगा ईयर टू में, ईयर टू का टैक्स पे होगा ईयर थ्री में, ईयर थ्री का टैक्स पे होगा ईयर फोर में, और फोर का फाइव में। देखे मैच होता है टैक्स, टिक लगाते जाए सॉल्यूशन के साथ जो जो फिगर्स मैच हो रही हैं। भाई क्लियर? यस सर।
चलिए फिर क्या कह रहा है, कंप्लीट कंप्यूट कैलकुलेट द एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट एंड स्टेट वेदर आर नॉट इट शुड बी अंडरटेकन। सारे कैश फ्लोस कैलकुलेट कर लिए, इक्विपमेंट का भी, उसकी डिस्पोजल भी, सेल्स भी, कॉस्ट भी, और उसके बाद टैक्स भी। अब सबको ऐड कर दिया, ऐड करके क्या किया, डिस्काउंट किया, किस रेट पे, 10% पे, 35% टैक्स रेट है उस पे नहीं, 10% कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे। कैलकुलेट करके देखें कैलकुलेशन ठीक हुई या डिस्काउंटिंग, और नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करें। शाबाश, जल्दी से कीजिए। अच्छा वैसे बेहतर है नीचे ना डिस्पोजल, अपनी आसानी के लिए डिस्पोजल अकाउंट बना ले जैसे अकाउंटिंग में बनाते होते हैं, आपके लिए आसान हो जाएगा प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना। फिगर के साथ टिक, जिस फिगर को आप कैलकुलेट कर लेते हैं ना उसके साथ हल्का सा टिक लगा लिया करें, ताकि आपको सुकून हो जाए, तसल्ली हो जाए कि ये फिगर मैंने अपने हाथ से कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। क्योंकि मैंने तो क्वेश्चन सामने करवा दिया ना, अब मैं क्या चाह रहा हूं, आप अपने हाथ से कैलकुलेशंस करें, ठीक है। तो सॉल्यूशन एक हेल्पिंग टूल के तौर पे आपके सामने मौजूद है, लेकिन सॉल्यूशन के अंदर एक एक फिगर आपने अपने हाथ से कैलकुलेट करके टिक करनी है। क्लियर है? यस। आगे नेट प्रेजेंट वैल्यू, सारी फिगर्स कैलकुलेट हो गई। सबसे अहम चीज मुझे बताइए, टैक्स सही कैलकुलेट हो गया कि नहीं? टैक्स हो गया, उसके बाद नेट प्रेजेंट वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली सही। चलिए शाबाश। तो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर, इसकी नेट क्या आ रही है एनपीवी? 16800 पॉजिटिव। पॉजिटिव है एनपीवी, तो प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। ये हाइब्रिड क्लास में जो भाई बैठे हुए हैं, ये थर्ड लास्ट बेंच पे, आपकी कैलकुलेशन सारी हो गई है? ये राइट वाले साइड पे जो स्टूडेंट बैठे हुए हैं थर्ड लास्ट बेंच पे, कैलकुलेशन होगी आपकी सारी जी? चलिए आप बता दें, आप बता दें, किसी कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलिए जी, ये क्वेश्चन ओके है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। जी नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसी तरह जैसे जैसे हम डिस्कस करते जाए ट्रीटमेंट, आपने साथ साथ टिक करते जाना अपने क्वेश्चन में। सबसे पहले सीवीबी इज कंसीडरिंग वेदर टू इन्वेस्ट इन द न्यू इक्विपमेंट कॉस्टिंग ₹600,000। इक्विपमेंट इज एक्सपेक्टेड टू हैव एन इकोनॉमिक लाइफ ऑफ 5 years एंड विल हैव नो डिस्पोजल वैल्यू एट द एंड ऑफ ईयर 5 एंड नो डिस्पोजल कॉस्ट एट द एंड ऑफ द ईयर। कोई उसकी डिस्पोजल प्राइस, यानी उसकी सेल प्राइस जीरो है। तो मुझे बताइए कि इसका इंपैक्ट क्या आएगा हमारे कैश फ्लोज के ऊपर? ईयर नॉट में 600 नेगेटिव आउटफ्लो, और ईयर 5 में इनफ्लो कितना आएगा? जीरो आएगा, ठीक है। अच्छा 5 साल है, मुझे कितने कॉलम बनाने चाहिए? 6 तो कम से कम जरूर बनाऊंगा ना ईयर नॉट का भी। लेकिन क्वेश्चन में अगर वो कहता है कि कोई लाइबिलिटी ऐसी है जो नेक्स्ट ईयर में पे हो रही है, तो मुझे नेक्स्ट ईयर का भी, फाइव ईयर का प्रोजेक्ट है तो मुझे ईयर 6 का भी कॉलम बनाना पड़ेगा। अच्छा ये डिस्पोजल वैल्यू नील है, ठीक है, ये हमारे लास्ट ईयर में इनफ्लो के तौर पे नील आएगी, और जो हमारा डिस्पोजल अकाउंट बनेगा उसमें भी सेल प्राइस नील होगी। याद रखिए, जब हमने प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना है डिस्पोजल, तो उसमें सेल प्राइस नील होगी, सेल प्राइस नील होगी। डिस्पोजल वैल्यू वही होती है ना, कि जब एसेट एंड पे आप खत्म हो जाएगा उसका प्रोजेक्ट, तो आप कितने में उसको बेचेंगे, कितने में बिकेगा।
डिस्पोजल वैल्यू नील कह रहा हूं, प्रॉफिट गेन या लॉस नील नहीं कह रहा। नेक्स्ट सीवीबी इज आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 15%, किस लिए यूज होगा 15%? डिस्काउंटिंग के लिए। शाबाश। टैक्स इज चार्ज एट एनुअल रेट ऑफ 35%, टैक्स का रेट 35% दिया हुआ है, इसका मतलब टैक्स की एडजस्टमेंट आ गई, हमें नीचे फॉर्मेट डुप्लीकेट करना पड़ेगा। एंड इज पेबल इन द ईयर फॉलोइंग द ईयर इन विच द टैक्सेबल प्रॉफिट राइजेस, और किस साल पे करना है नेक्स्ट, इसका मतलब है इसका भी हमें ईयर 6 बनाना पड़ेगा जिसमें हम टैक्स लाइबिलिटी पे करें, क्योंकि इसकी लाइबिलिटी, इस साल की लाइबिलिटी नेक्स्ट ईयर में जा रही है। क्लियर? देखिए 6 ईयर बना हुआ। आगे चल, फॉलोइंग फॉर कॉस्ट रिलेट्स टू द प्रोजेक्ट अंडर कंसिडरेशन, कह रहे ये फॉर कॉस्ट है। सेल्स इनकम कितनी है ईयर में? 250, 250, 300 रुपीज इन थाउजेंड है। देखिए मैच होती है सारी एज इट इज, कोई उसने सेल्स में किसी किस्म की कंप्लेक्स कैलकुलेशन इस क्वेश्चन में भी इंक्लूड नहीं की। सेल्स में किस तरह की कंप्लेक्स कैलकुलेशन इंक्लूड कर सकता है? सेल्स में कभी कहता है कि हर साल क्वांटिटी इंक्रीज होगी 5% से, कभी कहता है कि हर साल प्राइस इंक्रीज होगी 7% से, और कभी कहता है दोनों इंक्रीज होंगे, दोनों इंक्रीज होंगे। अगर वो कहे कि सेल्स 250,000 है और क्वांटिटी हर साल 5% इंक्रीज होगी, तो हमने सेल्स को कितने परसेंट से इंक्रीज करना है हर साल? 5% से। और अगर कहे कि क्वांटिटी के साथ साथ सेल प्राइस भी इंक्रीज हो रही है 7%, तो फिर हमें एक दफा 5% से मल्टीप्लाई करना है क्वांटिटी का इफेक्ट लाने के लिए, और एक दफा 1.07 से मल्टीप्लाई करना है प्राइस का इफेक्ट लाने के लिए। ये आपने कैलकुलेशन की हुई है ना? ठीक है, इसमें कोई कंप्लेक्स, कोई मुश्किल कंसेप्ट नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन है कि उसने कह दिया इतने से हर साल इंक्रीज करते जाओ। इसमें तो वो भी नहीं है, सिंपल, इसका मतलब है एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देंगे हम इनको। देखिए फिगर्स मैच होती है, डायरेक्ट मटेरियल मैच होता है, डायरेक्ट लेबर मैच होती है। अच्छा बताइए क्या मेन कैश फ्लो में जो भरा ऊपर वाला सेक्शन है डेप्रिसिएशन आएगी? डेप्रिसिएशन नहीं आएगी। डेप्रिसिएशन कहाँ आएगी? अच्छा मुझे बताइए टैक्स की कैलकुलेशन में हम अकाउंटिंग वाली डेप्रिसिएशन को यूज करते हैं कि टैक्स वाली डेप्रिसिएशन जो टैक्स के रूल्स के मुताबिक होती है? नीचे क्या कह रहे हैं, देयर विल बी टैक्स अलाउंसेस ऑन द कॉस्ट ऑफ द इक्विपमेंट कैलकुलेटेड एट 25% ईच ईयर ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अब ये कैलकुलेशन करने वाली है कि हर साल आपने 25% के लिहाज से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने, जरा कैलकुलेट करें, शाबाश, अभी कैलकुलेट करें, लिहाज से कैलकुलेशन करें, सिर्फ देखें नहीं, कैलकुलेशन करें और फिगर को मैच करें, कैलकुलेशन करें डेप्रिसिएशन की, शाबाश जी। नहीं, इनिशियल अलाउंस क्या उसने क्वेश्चन में हमें बताया हुआ कि आएगा? क्वेश्चन में नहीं बताया हुआ तो हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, जिस क्वेश्चन में बताया होता है उसमें इंक्लूड करते हैं। टैक्स अलाउंस लिखा हुआ ऑन द कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट, देयर विल बी टैक्स अलाउंस कैलकुलेटेड एट 25% ईच ईयर। हाँ जी, 25% के लिहाज से वो अगर इनिशियल अलाउंस होता तो वो इनिशियल बताता और साथ में इनिशियल का रेट भी बताता। ठीक है, फाइनेंस में आपसे अज्यूम नहीं करेगा कि टैक्स का सारा नॉलेज आप लेके आए, टैक्स का कोई भी ट्रीटमेंट, कोई इशू होगा तो आपको उसके बारे में गाइड करेगा कि क्या रेट्स है। ठीक है, डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन की है, सारी हो गई है, मुझे यकीन नहीं है ईयर 3 की कैसे की है। आपने डायरेक्ट बुक वैल्यू, रॉकेट साइंस लगाई है ना, डायरेक्ट बुक वैल्यू कैलकुलेट करके, अच्छा आखिरी बारी बारी कैलकुलेट किया, बारी 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 डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की है, तो टिक नहीं लगाया, टिक नहीं लगाया, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की है। ऐसे ना करें यार मेरे साथ, जरूर कीजिए कैलकुलेट, डेप्रिसिएशन जरूर कीजिए कैलकुलेट। भाई कैलकुलेटर किधर है यार, कैलकुलेटर के बगैर कैसे होगा? आपने कैलकुलेशन की है, आपका कैलकुलेटर किधर है? जब साथ वाले स्टूडेंट कैलकुलेशन कर लेना तो आपने उनसे कैलकुलेटर मांगना है। जी भाई की है कैलकुलेशन, मेरे भाई ने की है कैलकुलेशन।
फिगर्स मैच हो गई है, शाबाश, टैली हो रही है ना। जी भाई आपकी सारी डेप्रिसिएशन की फिगर्स मैच, पक्की बात है, देख लें। अच्छा लेकिन एंड पे प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट होगा कि नहीं डिस्पोजल पे? होगा भाई, हर क्वेश्चन में होता है। ये कौन सी नई एडजस्टमेंट हमारे लिए? जब प्रोजेक्ट खत्म होता है तो जो इक्विपमेंट हमने स्टार्ट में खरीदा होता है वो एंड पे बेचना नहीं होता क्या? बिल्कुल बेचना होता है, और उस पर प्रॉफिट या लॉस भी आता है, ठीक है। अगर टैक्स की एडजस्टमेंट ना हो तो फिर हम प्रॉफिट या लॉस ऑन डिस्पोजल कैलकुलेट करते हैं क्या? फिर कैलकुलेट नहीं करते क्योंकि टैक्स का इंपैक्ट ही नहीं है, सेल प्राइस हमारी सीधी आ जाती है, ठीक है। जब क्वेश्चन में टैक्स की एडजस्टमेंट नहीं है तो हमारी मेन कैश फ्लो में ये एंड ऑफ द प्रोजेक्ट उसकी डिस्पोजल वैल्यू या सेल प्राइस इक्विपमेंट की इनफ्लो के तौर पे आती है बस। लेकिन अगर टैक्स की एडजस्टमेंट हो तो हमने सेल प्राइस तो ऊपर लिखनी ही लिखनी है, उस डिस्पोजल के ऊपर जो प्रॉफिट या लॉस हुआ वो भी लिखना है। कहां लिखना है? कहां लिखना है? टैक्स की कैलकुलेशन में, बेहतरीन टैक्स की कैलकुलेशन। यहां पे देखिए आपका डिस्पोजल अकाउंट बनता है, प्रॉफिट या लॉस मैच होता है, क्योंकि उसने क्या सेल प्राइस नील है, उसका मतलब है जो एंड पे जाके कैरिंग अमाउंट होगी वो सारे का सारा लॉस होगा, लॉस होगा। और टैक्स वाले हमें उस पे उसको अलाउ करेंगे ना डिडक्शन के तौर पे। तो देखे टैक्स सही कैलकुलेट हुआ, टैक्स डेप्रिसिएशन और टैक्स सारी क्लास का सही कैलकुलेट हो चुका है, एक स्टूडेंट को भी प्रॉब्लम नहीं, ऐसे ही है। अब क्या करना है हमने? अब टैक्स की फिगर को पुट करना है, ईयर वन का टैक्स ईयर वन की कैश फ्लो में, ईयर टू का टैक्स ईयर टू की कैश फ्लो में, ईयर थ्री, ऐसे नहीं करना, फिर कैसे करना है? हाँ उसने क्वेश्चन में कहा हुआ है टैक्स फॉलोइंग ईयर में, अगर किसी स्टूडेंट ने सेम ईयर में पे करवा दिया ना क्वेश्चन गलत हो जाएगा, नहीं पूरा क्वेश्चन नहीं गलत होगा, क्वेश्चन से मुराद पार्शियल क्वेश्चन गलत होगा, टैक्स के मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे, टैक्स की एडजस्टमेंट के मार्क्स मिलने भी नहीं चाहिए ना, ठीक है। लेकिन कैलकुलेशन के मार्क्स मिल जाएंगे उस, हाँ कैलकुलेशन, उसके बाद जो उसको मेन कैश फ्लो में पुट करने का एक आधा नंबर होगा ना वो डिडक्ट होगा। ईयर वन का अच्छा ईयर जीरो का कैश फ्लो कब पे होगा? यार ये चीज सुनना चाह रहा था, वो तो होता ही। ईयर वन का टैक्स कब पे होगा? टू का कब होगा? थ्री का कब? मैच करें देखें, सेम मैच होता है। चलिए अब क्या करना है? अब क्या करना है? नेट कैश फ्लो, अब तो फाइनेंस का कंसेप्ट ही नहीं है, अब तो आपका प्लस माइनस का कंसेप्ट है सिर्फ। ये बाकी का काम तो पांचवी क्लास का बच्चा भी कर सकता है कि सबको ऐड करना है और फिर डिवाइड कर देना है, 1.15 पावर 1, 1.15 पावर 2, 3, 4, 5, ऐसे कर सकते हैं ना, जरा करके देखे होता है कि नहीं आपसे, करके देखो, शाबाश। प्रेजेंट कैश फ्लो से प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करके देखे, अच्छा हाँ हाँ ये भी क्वेश्चन एंड पे पूछिएगा, मैं जरा इनके साथ फिगर्स मैच करवा लूँ इसके बाद, जल्दी से कैलकुलेशन कर दे और मुझे ओके का सिग्नल दे दे।
क्लियर, फिगर्स मैच हो गई। yes, अच्छा आप जरा ये मुझे दिखाइएगा, स्टूडेंट ने पूछा है कि क्या हमें हर एक कैश फ्लो की अलग अलग प्रेजेंट वैल्यू दिखाने की जरूरत है? इसका जवाब है नहीं। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, एनपीवी डायरेक्ट कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये आपकी आसानी के लिए है, ताकि आप अगर आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू इन केस गलत आती है तो फिर उसके बाद आप ट्रेस कर सकें कि आपने गलती किस जगह पे की। जी ये क्लियर, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए, वरना फिर हम अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा चले, यस से ये कहना चाह रहे हैं कि चले मसला नहीं है यानी। चलिए थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा एक लेंथी क्वेश्चन था, हाँ थोड़ा सा नहीं ज्यादा लेंथी क्वेश्चन था। चलिए सॉल्यूशन आपके सामने होना चाहिए ये, और साथ साथ हर हर फिगर को आपने मैच करना है। क्लास में कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं होना, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स भी पहले अपने सामने क्वेश्चन रखे, सॉल्यूशन रखे, फिर उसके बाद डिस्कशन में आए। साथ साथ जैसे जैसे जो पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं टिक लगाते जाए, फिगर्स को मैच करते जाए। स्टार्ट करें, चलिए जी। सबसे पहले LL is considering to accept a 5-year proposal from ML for supply of a product namely K44. LL एक प्रोडक्ट स्टार्ट करना चाह रहा है, ठीक है, K44, उसको 5 साल का प्रोजेक्ट है ये। ML would use K44 as a raw material for its main products. ML इसको अपनी मेन प्रोडक्ट के लिए raw material के तौर पे यूज करेगा, ठीक है। ML जो मर्जी करे, हमें क्या, हमने तो LL ने ये प्रोडक्ट बना के इसको बेच देनी है। डिटेल्स ऑफ प्रपोजल एंड रिलेटेड मैटर्स आर समराइज्ड एज फॉलोस। ये डिटेल है। पहला, इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन दिस स्पेशलाइज्ड मशीनरी इज एस्टिमेटेड एट ₹60 मिलियन। इनिशियल इन्वेस्टमेंट 60 मिलियन होगी। इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? ईयर नॉट में आउटफ्लो 60 मिलियन। देखें ईयर नॉट में आउटफ्लो है, चलिए टिक कीजिए। फिर कह रहा है एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 4, बताइए एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 4 इज इक्वल टू ईयर 3, यानी ईयर 3 में LL वुड रिक्वायर ए मेजर ओवरऑलिंग ऑन दिस मशीनरी अमाउंटिंग टू ₹10 मिलियन। उसने एक मेजर ओवरऑलिंग करवानी होगी। अच्छा, अब आपने अकाउंटेंट बनकर नहीं सोचना, मेजर ओवरऑल मैं कैपिटलाइज करूं कि ना करूं, कैपिटलाइज करूं कि ना करूं, कैपिटलाइज करूं कि ना करूं। अकाउंटेंट बनके नहीं सोचना, फाइनेंस मैनेजर बनके सोचना है। कैपिटलाइज करें या ना करें, पैसे तो देने पड़ेंगे, आउटफ्लो है, वो रिकॉर्ड करना ही करना। तो इसका मतलब है ये 10 मिलियन हमारा ईयर 3 में आउटफ्लो होगा, ये 10 मिलियन हमारा ईयर 3 में आउटफ्लो होगा। अकाउंटेंट बनके नहीं सोचना, अकाउंटेंट यहाँ पे होता तो क्या सोचता, ओवरऑलिंग है, कैपिटलाइज करूं कि ना करूं, कैपिटलाइज करूं कि ना करूं। हमने फाइनेंस मैनेजर बनके सोचना है, क्या इनफ्लो की आउटफ्लो किस साल में। देखिए ये 3 में 10 मिलियन है आउटफ्लो, क्लियर क्लियर। वो माइनस, वो माइनस किसी समझे, माइनस साइड पे, ये एक्सेल के फॉर्मेटिंग है, इसको मैं चेंज कर लूंगा, लेकिन माइनस लिखा होगा। डेप्रिसिएशन देखा, वही काउंटर बन के सोच रहे ना सर, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हुए इसको ऐड करना है कि नहीं करना, इसको ऐड कर, उसने तो नहीं बताया कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये लदा से एक्सपेंडिचर है, डेप्रिसिएशन में हमने इसको कंसीडर नहीं करना, एक ही साल में आउटफ्लो होगा हमारा, हम इक्विपमेंट की कॉस्ट के ऊपर डेप्रिसिएट। लेकिन एक मिनट ठहर जाएं, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट क्यों करेंगे, हमारे तो मेन कैश फ्लो में डेप्रिसिएशन आती ही नहीं। हाँ ये सुनना चाह रहा है, टैक्स के लिए, लेकिन टैक्स के लिए भी क्यों करेंगे, अभी तो उसने बताया ही नहीं क्वेश्चन में टैक्स की एडजस्टमेंट है कि नहीं।
अच्छा नीचे चले ठीक है, उनको पता चल गया नीचे। लेकिन अगर ना नहीं होती ना टैक्स की एडजस्टमेंट, फिर हम डेप्रिसिएशन के चक्कर में पढ़ते ही ना। लेकिन अब टैक्स की एडजस्टमेंट है, हमने डेप्रिसिएशन के चक्कर में पढ़ना, लेकिन मेन कैश फ्लो में नहीं, मेन कैश फ्लो में नीचे जो टैक्स की कैलकुलेशन करते हैं ना उसमें। अगर आप अच्छा फिर मुझे देखे बगैर बताइए, ये 10 मिलियन हमारा ऊपर मेन कैश फ्लो में आना चाहिए, आना चाहिए नीचे टैक्स की कैलकुलेशन में आना चाहिए, टैक्स की कैलकुलेशन डेप्रिसिएशन में नहीं आएगा। खर्चा तो हुआ है ना, खर्चा हुआ कि नहीं हुआ, और टैक्स वाले खर्चा मानेंगे कि नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। तो क्या टैक्स की कैलकुलेशन में इसको लेस होना चाहिए? वो कह रहे नहीं होना चाहिए, कह रहे नहीं होना चाहिए। देखिए जरा टैक्स की कैलकुलेशन में भी 10 मिलियन लेस हुआ है। देखिए एडजस्टमेंट से अगर आप एग्री करते हैं तो फिर ओके कीजिए, अगर कोई इख्तलाफ है तो भी डिस्कशन कर ले जी। सोल्यूशन दे, मेरा सोल्यूशन दे दे जी, सोल्यूशन भाई 10 मिलियन मैच हो गया। इसका ट्रीटमेंट जहन में रखिएगा, जब कभी कोई प्रोजेक्ट के दौरान में एक्स्ट्रा एक्सपेंस हमें इनकर करना पड़े, कोई भी एक्स्ट्रा एक्सपेंस इनकर करना पड़े, तो वो हमारे मेन कैश फ्लो में तो आउटफ्लो के तौर पे आएगा ही, टैक्स की कैलकुलेशन में भी लेस होगा, क्योंकि खर्चा है, एफबीआर वाले उसको मानेंगे हमारा खर्चा होगा। 10 मिलियन का ट्रीटमेंट क्लियर हो गया, 10 मिलियन का ट्रीटमेंट क्लियर। ये एक हमारे लिए नई चीज थी, नई चीज क्या थी भला, ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट एक एक्स्ट्रा खर्चा, एक तो उसने रूटीन के एक्सपेंसेस दिए ना, एक एक्स्ट्रा खर्चा दे दिया, तो एक्स्ट्रा खर्चे के साथ वो ही सलूक करेंगे। आसान तरीन कंसेप्ट क्या, एक्स्ट्रा एक्सपेंस के साथ कॉस्ट के साथ वो ही सलूक करेंगे जो रेगुलर कॉस्ट के साथ करते हैं। रेगुलर कॉस्ट के साथ भी तो यही करते हैं, मेन में आउटफ्लो और टैक्स में लेस कर देते हैं एक्सपेंस। 10 मिलियन क्लियर है जी जी। इसको ईयर 3 के एंड पे क्यों अज्यूम कर रहे हैं जब उसने क्लियरली क्वेश्चन में कहा हुआ है ईयर 4, तो ईयर 3 में क्यों अज्यूम कर रहे हैं? इसलिए कि हमने असूल पढ़ा हुआ है, यहाँ पे काउंटिंग वाला असूल अप्लाई होता है। क्या वाला? इस साल का क्लोजिंग, अगले साल का ओपनिंग, अगले साल का ओपनिंग, इस साल का क्लोजिंग। तो जो बिगिनिंग ऑफ द ईयर 4 है वो क्या है? क्लोजिंग ऑफ द ईयर 3। असल में हम कैश फ्लो में हमारी अजम्पशन ये होती है कि जितने भी कैश फ्लोज हैं वो अकर हो रहे हैं एट द एंड ऑफ द ईयर। तो जो स्टार्ट में कह देता है ना अर्ली हो रहे हैं स्टार्ट में, उसका मतलब ये होता है कि ये पिछले साल का क्लोजिंग है, जो इस साल का ओपनिंग है वो उसे फिर लास्ट ईयर में लेते हैं। ये ईयर 3 में क्यों आया है? 10 मिलियन क्लियर हो गया, और ये 10 मिलियन का हमारे क्वेश्चन में कहां कहां इंपैक्ट है ये भी समझ आ गया। आगे चलते हैं। द मशीनरी कैन बी डिस्पोज ऑफ एट 85% ऑफ रिटन डाउन वैल्यू एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट। जब मैंने पहली दफा क्वेश्चन पढ़ा तो मेरे जहन में ये आया कि इसकी बुक वैल्यू होगी, सॉरी इसकी डिस्पोजल वैल्यू होगी 60 मिलियन का 80%। ये कंसेप्ट गलत है। क्यों गलत है? रिटर्न डाउन वैल्यू का 80% है रिटर्न, यानी चार, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें प्रॉफिट गेन या लॉस आएगा कि नहीं आएगा? जरूर आएगा, और गेन नहीं होगा लॉस, क्योंकि WDV से कम पे सेल कर रहे हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू से कम पे सेल कर रहे हैं, तो लॉस जरूर आएगा। समझ रहे हैं? अच्छा क्या इसने डेप्रिसिएशन रेट दिया हुआ है? अगर दे दे तो भी दिया हुआ उसने, किधर दिया हुआ? किधर दिया हुआ? 25। अच्छा मुझे बताइए, अभी डेप्रिसिएशन को हल करना चाहते हैं कि जब इसकी बारी आएगी? बारी 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 चल बारी ठीक है, नहीं नहीं अभी नहीं बारी आई, अभी तो हमने सिर्फ, लेकिन देखें हाँ एक लिहाज से बारी आ भी गई। कैसे आ गई? डिस्पोजल वैल्यू, शाबाश शाबाश, डिस्पोजल वैल्यू
बेहतरीन। अ डिस्पोजल वैल्यू नहीं इंक्लूड करनी, इक्विपमेंट के एंड की लाइफ में डिस्पोजल वैल्यू नहीं लिखनी। तो डिस्पोजल वैल्यू कैसे आएगी? कैरिंग अमाउंट का 80%। तो अब कैरिंग डिस्पोजल कैलकुलेट करने के लिए कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट करनी है, कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए डेप्रिसिएशन जरूरी है। तो अब हमें डेप्रिसिएशन की तरफ जाना पड़ गया। तो जरा डिस्पोजल अकाउंट हर साल की डेप्रिस देखिए क्या कह रहा है। टैक्स रेट वुड बी एप्लीकेबल एट 30%, 30% टैक्स रेट है। अब आपने ये नहीं कहना सर पाकिस्तान में तो आजकल 29% चल रहा है, मुझे नहीं पता जितना भी चल रहा है, क्वेश्चन में कह दिया उसने, हमने वही करना। And tax would be payable in the year in which liability would arise. Good news ka bad news? Good news. Tax will be payable in the year in which arise. हमारे लिए ये क्या news है? Good. कैसे? जिस साल का tax होगा उसी साल का outflow. जिस साल का tax होगा उसी साल का outflow. जिस साल का tax होगा उसी साल का outflow. Depreciation calculate करें आप. भैया depreciation calculate करें. चले. The tax depreciation on machinery would be allowed at the rate of 25% under reducing balance method. 25% under reducing balance method. Year one की depreciation calculate करें, year one की depreciation calculate करें, 60 million into 25%, देखे match हुए, match हुए। Year two की depreciation calculate करें, ईयर टू की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें। ईयर टू की थोड़ी मुश्किल होगी आपके लिए, क्यों? क्योंकि ईयर वन की डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद रेट लगाना। आई ईयर थ्री की भी कैलकुलेट कर लें, फिर ईयर फोर की भी कर लें, और फिर ईयर फाइव की भी कर। आपने सारी कैलकुलेशंस कर ली हैं, आपने सारी डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन कर ली है, आपने असाइनमेंट भी नहीं की थी, आप कैलकुलेशन भी नहीं कर रहे, ऐसे ना किया करें मेरे साथ, फिर आप कहेंगे समझ ही नहीं आई सर ने क्या करवा दिया। नहीं, अगर आपने कैलकुलेशन नहीं करनी, आपका कैलकुलेटर उनको दे दें, वो घर भूल आएंगे। अच्छा, शाबाश शाबाश। डेप्रिसिएशन सारी कैलकुलेट करते जाएं, टिक लगाते जाएं, कैलकुलेट करते जाएं, टिक लगाते जाएं, जो कैलकुलेट हो जाए उसको टिक लगाएं। हो गई कैलकुलेशन सारे सालों की, हो गई। सारे सालों की डेप्रिसिएशन। अच्छा अब बताइए, अब डिस्पोजल कौन बना ले? अब तो डिस्पोजल कौन बना ले? बना ना मेरे भाई, अकाउंटिंग में बनाया हुआ ना आपने, उसी तरह बना ले। डिस कॉस्ट, फिर एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन, फिर डिस्पोजल, और फिर गेन या लॉस, गेन या लॉस। अकाउंटिंग में सीखा हुआ कि बना दो। डिस्पोजल कौन बनता है? राइट साइड पे आते हैं सेल प्राइस डिस्पोजल वैल्यू, लेफ्ट साइड पे आता है कॉस्ट, कॉस्ट और एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन आती है राइट साइड पे। नहीं, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन इसमें भी आएगी। हाँ, अगर आप कॉस्ट और डेप्रिसिएशन को लेस करके डायरेक्ट बुक वैल्यू ऐड कर देते हैं डिस्पोजल में, फिर नहीं आएगी, वो आपकी मर्जी। लेकिन मेरा ख्याल है कॉस्ट और क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेदर द फिगर इंक्लूड करनी चाहिए आपको, करनी चाहिए कि नहीं? जी, क्लास में कोई स्टूडेंट जिसका गेन या लॉस कैलकुलेट हो गया, मैच हो गया, बाकी का नहीं हुआ? कितने स्टूडेंट्स का नहीं मैच हुआ? हाइब्रिड क्लास में बताइए कितने स्टूडेंट्स जो है वो लॉस ऑन डिस्पोजल के ऊपर पहुंच गए इस क्वेश्चन के। कैलकुलेट अपने हाथ से किया है ना, ये नहीं कि देख के समझ आ गया, अपने हाथ से करना लाजमी है।
और हमारी इस फिजिकल क्लास में कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनसे अभी लॉस ऑन डिस्पोजल कैलकुलेट नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ मेरे भाई? अच्छा, कर रहे हैं कि हुआ ही नहीं? कर रहे, यानी हिम्मत नहीं हारी आपने, शाबाश। चलिए अब मुझे ये बताइए, हमने कैलकुलेशन कर ली तो हमारी जो डिस्पोजल की अमाउंट है वो क्या आ गई, जो हमारे मेन कैश फ्लो में एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट डिस्पोजल की वैल्यू आएगी इक्विपमेंट की डिस्पोजल की, वो क्या है? 11.3 मिलियन समथिंग है, बट ठीक है, ठीक है। आगे चलें। इन ईयर वन LL would supply 18,000 units of K44 to ML at ₹5,000. The supply would increase by 5% per annum from year 2 onward. From year 2 onward. Year 2 onward say? Increase 5%. Kis saal se? Year 2 se. Year 2 se. So iska matlab hai year 1 ki sales kitni hogi? इंटू 18,000। अच्छा, सप्लाई इंक्रीज करनी है ना, तो मैं कंसेप्ट, वैसे फर्क नहीं पड़ता लेकिन मैं जरा कंसेप्चुअली चलना पसंद करता हूं। 18,000 इंटू 500, 5,000 इंटू 1.05 सेम आंसर आएगा, लेकिन मैं ऐसे सोचूंगा कि इंक्रीज क्या हो रहा है, सप्लाई, तो मैं क्वांटिटी सप्लाइड के साथ 1.05 लिखूंगा। मैं इस कैलकुलेशन को ऐसे लिखूंगा, 18,000 इंटू 1.05 इंटू 5,000। 1.05 जिससे रिलेट करता है उसके साथ आना चाहिए ना, जिससे रिलेट करता है। हालांकि कैलकुल मैथमेटिकली फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमने कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ चलना है, तो इसीलिए 18,000 इंटू 1.05 इंटू 5,000 ये आएगी हमारी सेकंड। फर्स्ट ईयर में तो सिंपल है ना, 18,000 इंटू 5,000 ईयर वन में देखे वही है, ईयर टू में क्या होगा? 18,000 इंटू 1.05 पावर वन, इंटू 1.05 पावर वन, फिर इंटू 5 इंटू, वो बाद में आएगी, वो बाद में डिस्कस करेंगे, फिलहाल हम सिर्फ इसी डिस्कशन को डिस्कस करेंगे। इसी तरह ईयर, नेक्स्ट ईयर में ये मल्टीप्लाई होता जाएगा और 1.05 की पावर 1, 2, 3 होती जाएगी। यहां पे अहम कंसेप्ट पता है क्या है, कि ईयर 2 के अंदर 1.05 जब इंक्रीज करने, इसकी पावर 2 नहीं आएगी, क्योंकि इंक्रीज ईयर 1 से नहीं हो रहा, ईयर 2 से हो रहा, ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ हाँ पूछिए जी जी। नहीं नहीं, ये टू ऑनवर्ड का देख, कह रहा है सप्लाई वुड इंक्रीज बाय 5% फ्रॉम ईयर टू ऑनवर्ड। ईयर टू ऑनवर्ड का मतलब है ईयर टू और इसके बाद से, नहीं ईयर टू एंड ऑनवर्ड और ईयर टू ऑनवर्ड का एक ही मतलब है। अगर आपके वाला बात होता ना, बात होती ना कि ईयर थ्री से, वो कहता आफ्टर ईयर थ्री, सॉरी आफ्टर ईयर टू कहता, ईयर टू ऑनवर्ड ना कहता, ठीक है भाई, ये समझ आ गया आपको। इसमें उसने हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल करने की कोशिश की, कैसे क्वांटिटी में इंक्रीज ले आया। हमने कहा टेंशन नहीं कोई नहीं, जितनी क्वांटिटी है जितना तुम इंक्रीज कर रहे हो, 1.05 पावर 1 पावर 2 पावर 3 करते जाएंगे, कैलकुलेशन में मसला नहीं आएगा आपको। मसला किस चीज में आएगा भला, कि इंक्रीज किस साल से करना है, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। 1.05 पावर 1 एक दफा पता चल गया पावर 1, फिर आपको पता है कि पावर 2 3 4 लगाना, इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम क्या है, सीखने वाली बात क्या है भला, इंक्रीज किस साल से आना है। यहां पे ईयर 1 में इंक्रीज नहीं आना, ईयर 1 में जो क्वांटिटी है, ईयर 1 में जो प्राइस है उसने दी हुई है, ईयर 1 में इंक्रीज नहीं आना। क्यों? ईयर 1 की क्वांटिटी, ईयर 1 की प्राइस, कह रहा है फ्रॉम ईयर 2 ऑनवर्ड, ईयर 2 से ऑनवर्ड इंक्रीज आएगा, तो इसका मतलब है ईयर 2 में इंक्रीज आएगा,
क्वांटिटी इनटू 1.05 पावर 1, फिर ईयर 3 में क्या होगा, क्वांटिटी इनटू 1.05 पावर 2। समझ आ रही बात की, आगे चले। नेक्स्ट, इंपैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन रेवेन्यू एज सॉरी वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट इज एस्टिमेटेड एट रुपीज 4000 पर यूनिट फॉर ईयर 1। ईयर 1 में क्या वेरिएबल कॉस्ट है, ईयर 1 की वेरिएबल कॉस्ट क्या है, इसको इंक्रीज करेंगे ईयर 1 के अंदर ही, इसको इंक्रीज करेंगे ईयर 1 के अंदर ही, नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे बताया हुआ उसने, ईयर 1 में ये कॉस्ट है। भाई एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, उसमें तो हमने पहले साल ही इन्फ्लेशन लगा दी थी, इसलिए कि उसमें उसने कहा था कि ये प्राइस है टुडे की, ईयर नॉट की, टुडे की प्राइस दी थी, इसलिए हमने ईयर 1 में ही इन्फ्लेशन लगा दी थी। इसमें क्या कह रहा है कि प्राइसेस कौन सी हैं, ईयर 1 की, इसमें इन्फ्लेशन का इंपैक्ट बताइए ईयर 1 से ही आएगा कि ईयर 2 से, पक्की बात है। भाई एक क्वेश्चन था, उसमें तो हमने ईयर 1 से इफेक्ट इन्फ्लेशन का लेके आए थे, क्योंकि उसमें जो उसने कॉस्ट प्राइस दी हुई थी वो ईयर नॉट टुडे की दी हुई थी, ये ज़हन में रखिएगा, कंफ्यूज नहीं हो जाना कि सर किसी क्वेश्चन में इन्फ्लेशन आप ईयर 1 से स्टार्ट करवा देते किसी ईयर 2 में, हमें एग्जाम में कैसे पता चलेगा, हमें एग्जाम में पता चलेगा कि उसने प्राइस किस डेट पे दी है। अगर ईयर नॉट की दी है टू डेज प्राइस, तो फिर ईयर 1 से इन्फ्लेशन आ जाएगा, और अगर उसने ईयर 1 की प्राइसेस दी हुई है तो यहां पे बताइए ईयर 1 से आएगा ईयर 2 से, ईयर 2 से, ठीक है। रेवेन्यू पे भी है कॉस्ट पे भी है, इसका मतलब है वापस जाइए, अब इसकी कैलकुलेशन का फार्मूला फार्मूला लिख के बताएं। अच्छा, हर कैलकुलेशन के साथ फार्मूला लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन एक दफा फार्मूला लिख देना चाहिए। रेवेन्यू का फार्मूला मुझे बताइए, ईयर 1 में क्या लिखेंगे आप, ईयर 1 में फार्मूला मुझे लिख के दिखाएं, ईयर 1 में, हाँ टोटल रेवेन्यू, क्योंकि देखे ना रेवेन्यू का फार्मूला मुश्किल हो गया ना, मुझे तो सिर्फ इतना रेवेन्यू का फार्मूला कैलकुलेट आता है करना आता है क्वांटिटी इनटू प्राइस। अब ये उसमें क्वांटिटी को भी इंक्रीज कर रहा हो रही है, अब प्राइस को भी कह रहा है इंक्रीज हो रही है, ये मुझे नहीं आता, जरा कैलकुलेट पहले ईयर 1 का तो दिखाएं क्या होता है, ईयर 1 तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा, ईयर 2 का करके दिखाएं तो मानू आपको, फार्मूला लिख के दिखाएं, फार्मूला लिख के दिखाएं ईयर 2 का, ये क्वांटिटी इनटू 1.05 प्राइस इनटू 1.07 शाबाश, क्वांटिटी इनटू 1.05 इनटू प्राइस इनटू 1. बेहतरीन 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 भाई, समझ है फार्मूला, बहुत मुश्किल फार्मूला है, इतनी आसानी से समझ में आने वाला, लिखा है मेरे भाई ने, नहीं लिखा आपके मुंह पे लिखा हुआ, नहीं लिखा मैं कह रहा लिखा है, किधर लिखा है, ये किधर फार्मूला किधर लिखा है, अपने हाथों को कुछ तकलीफ दीजिए, अपने हाथों को कुछ तकलीफ दीजिए, पेन निकाली फार्मूला लिखिए, जब कहा फार्मूला लिखने का तो फार्मूला लिखने का, ठीक है सर, लिख सेल्स, इतनी मुश्किल एडजस्टमेंट है और आप इजी ले रहे हैं उसको, जी भाई उसने क्वेश्चन में कहा हुआ है कि जो प्राइसेस है ना ये ईयर 1 की है, जहां पे उसने कहा है ना वेरिएबल कॉस्ट एस्टिमेटेड है, फिर नहीं सारी कॉस्ट का, जब वो कहे थे ना कि अप्लाई होता है सारी कॉस्ट पे, तो सब पे अप्लाई हो रहा क्या मुराद है, वेरिएबल बी और फिक्स बी, ऑल कॉस्ट से क्या मुराद है, वेरिएबल बी और फिक्स बी, लेकिन ऑल कॉस्ट से मुराद वो वाली कॉस्ट नहीं है डेप्रिसिएशन वाले, डेप्रिसिएशन पे इंपैक्ट नहीं डाल देना, वो ऑलरेडी कर चुके हैं, और टैक्स पे भी इंपैक्ट ना डाल देना,
टैक्स पे भी वैक्यूम, वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज निकलता है क्योंकि इंक्रीज फिगर का टैक्स ऑलरेडी इंक्रीज होगा। कैलकुलेट कर लिया, ईयर टू का फार्मूला किधर है? ये तो ईयर थ्री का फार्मूला है, ये ईयर टू का फार्मूला। हाँ जी, शाबाश शाबाश, चलिए कैलकुलेशन हो गई। इन्फ्लेशन अब आपको पता चल गया इन्फ्लेशन का इंपैक्ट कैसे लेना है। अब आज आगे चलते हैं। वेरिएबल कॉस्ट इज एस्टिमेटेड एट रुपीज 4000 पर यूनिट फॉर ईयर वन। बताइए ईयर वन में इसकी कॉस्ट क्या लेनी है? इसमें इन्फ्लेशन का इंपैक्ट नहीं डालना। क्यों नहीं डालना? एक क्वेश्चन में तो हमने ईयर वन में इन्फ्लेशन का इंपैक्ट डाला था, उसमें टू डेज प्राइस दी हुई थी, इसमें ईयर वन की प्राइस दी हुई है 4000। ईयर वन में तो इन्फ्लेशन का इंपैक्ट नहीं आएगा। फिर ईयर टू से ऑनवर्ड इन्फ्लेशन का भी इंपैक्ट आएगा, क्वांटिटी का भी। क्यों? जब सेल की क्वांटिटी बढ़ाए तो कॉस्ट भी इंक्रीज होती है। सेल्स बढ़ाए तो कॉस्ट भी इंक्रीज होती है। कौन सी वाली कॉस्ट? फिक्स तो इंक्रीज नहीं होती, पक्की बात है, फिक्स फिक्स ही रहेगी। इसका मतलब है वेरिएबल कॉस्ट को इंक्रीज करेंगे, क्वांटिटी का भी इफेक्ट आएगा, इन्फ्लेशन का भी इफेक्ट आएगा। वेरिएबल कॉस्ट को इंक्रीज करेंगे, क्वांटिटी का भी इफेक्ट आएगा, इन्फ्लेशन का भी इफेक्ट आएगा। वेरिएबल कॉस्ट को इंक्रीज करेंगे, क्वांटिटी का भी इफेक्ट आएगा, इन्फ्लेशन का भी आएगा। लेकिन फिक्स कॉस्ट को जब इंक्रीज करेंगे सिर्फ इन्फ्लेशन का इंपैक्ट आएगा, क्वांटिटी का, क्योंकि फिक्स कॉस्ट क्वांटिटी के साथ वेरी नहीं करती। तो ये 4000 का ट्रीटमेंट क्या क्लियर हो गया? Yes, आगे फिक्स कॉस्ट का देखें। कहता है फिक्स कॉस्ट एसोसिएटेड विद प्रपोजल अदर देन डेप्रिसिएशन। हमें अदर देन डेप्रिसिएशन ही चाहिए होती है। मेन कैश फ्लो में हमें डेप्रिसिएशन नहीं चाहिए, मेन कैश फ्लो में डेप्रिसिएशन नहीं चाहिए। नीचे टैक्स की कैलकुलेशन में चाहिए। और कौन सी वाली चाहिए? टैक्स वाली चाहिए। मेन कैश फ्लो में डेप्रिसिएशन नहीं चाहिए, नीचे टैक्स वाली कैलकुलेशन में डेप्रिसिएशन चाहिए। और कौन सी वाली चाहिए? टैक्स वाली। वो कह रहा है फिक्स कॉस्ट एसोसिएटेड प्रपोजल इज एक्सपेक्टेड टू रुपीज 2.5 लाख पर मंथ। पहली दफा जब मैंने क्वेश्चन पढ़ा मैंने कहा 2.5 लाख माइनस आउट ऑफ विच 50,000 वुड बी एलोकेटेड ओवरहेड्स। मैंने कहा आसान एडजस्टमेंट, एलोकेटेड ओवरहेड्स तो मुझे पता इंक्लूड नहीं होते। तो फिक्स कॉस्ट हो गई 2.5 लाख माइनस 50,000 2 लाख इंटू 12 करना मैं भूल गया पहली दफा में, आप तो नहीं भूलेंगे। तो 2 लाख इंटू 12 कितना आ गया? 24 लाख। ठीक है, ईयर वन में फिक्स कास्ट कितनी हो गई? 24 लाख। तो चूंकि फिक्स कास्ट फिक्स होती है, फिक्स कास्ट फिक्स होती है, तो ईयर टू में भी यही आएगी, ईयर थ्री में भी यही आएगी, इन्फ्लेशन का इंपैक्ट आएगा। आपको पता होगा आपके हॉस्टल का रेंट फिक्स होता है ना, हॉस्टल का रेंट फिक्स होता है ना, लेकिन हर साल इन्फ्लेशन का इंपैक्ट आता है कि नहीं? कितना रेवेन्यू बढ़ाते हैं? 10% स्टैंडर्ड होता है कि निगोसिएशन से बढ़ा, मर्जी होती है ऐसा चले, लेकिन नॉर्मली रेंट 10% हर साल बढ़ता है। तो ये इन्फ्लेशन है, तो ये फिक्स कॉस्ट को फिक्स ना कर दीजिएगा। फिक्स कॉस्ट को, फिक्स कॉस्ट वो है जो आउटपुट के साथ नहीं बढ़ती, इन्फ्लेशन के साथ बढ़ेगी। तो 2 लाख, अच्छा बताइए ईयर थ्री में कितनी फिक्स कॉस्ट होगी? 2 लाख इंटू 1.07 पावर 2। ये तो ईयर थ्री है क्योंकि इंक्रीमेंट ईयर टू से आ रहा है। क्वेश्चन में ध्यान रखना है ईयर कौन सा है। ईयर वन से ईयर टू से ही आएगा, इसलिए कि उसने कहा हुआ है कि ये ईयर वन से है, तो वेरिएबल कास्ट ईयर वन से इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो फिक्स कास्ट के भी तो उसी के साथ ही दे रहा है इंफॉर्मेशन, वो भी इसका मतलब ईयर वन की इंफॉर्मेशन ही है। इंपैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, जी जी जी, हाँ, अगर यहाँ पे स्टूडेंट का क्वेश्चन है सर अगर वेरिएबल कॉस्ट है 4000 पर यूनिट, यहाँ पे खत्म हो जाता, फॉर ईयर वन ना लिखा होता, तो फिर हम एज्यूम करते ये
टू डेज प्राइस है। फिर हम ईयर वन में इफेक्ट लेते हैं, फिर ईयर टू में दो साल, ईयर वन में एक साल का, ईयर टू में दो साल का, फिर इस तरीके से चलते हैं। वो हमारा पुराना क्वेश्चन बन जाता जो पहले किया। क्लियर। टैक्स रेट वुड बी एप्लीकेबल एट 30% एंड टैक्स वुड बी पेबल ईयर इन विच लायबिलिटी वुड अराइज। उसी साल में पे करना है, उसी साल का आएगा। टैक्स डेप्रिसिएशन तो हम कर चुके हैं, और डेप्रिसिएशन कर चुके हैं तो इसका मतलब है सारा क्वेश्चन ही कर चुके हैं। देखें टैक्सेबल प्रॉफिट सही आया, टैक्सेबल प्रॉफिट वही आता है, रेट लगा के टैक्स वही आता है, और टैक्स जो आता है वही ऊपर जाता है, और जिस साल में आता है उसी साल जाता है, उस साल नहीं जाता, और भाई उसी साल जाता है। इस क्वेश्चन में टैक्स जिस साल आता है उसी साल जाता है, पिछले क्वेश्चन में टैक्स जिस साल आया था अगले साल गया था। ये देखिए रेलिवेंट सिर्फ ये जानना है, हम नहीं है कि रेलिवेंट कैसे किस साल में है, ये की है इस इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में। टैक्स क्लियर, टैक्स की अमाउंट भी कैलकुलेट हो गई और टैक्स रेलिवेंट ईयर में भी आउटफ्लो हो गया, पक्की बात है। और उसमें लॉस की एडजस्टमेंट डाली कि नहीं डाली, लॉस की एडजस्टमेंट टैक्स की। हाँ सब टैक्स की। क्लास में कितने ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने टेस्ट के अंदर इस क्वेश्चन में टैक्स की कैलकुलेशन में लॉस की एडजस्टमेंट डाली थी? इंशाल्लाह इस दफा पास, इंशाल्लाह इस दफा ये सारे स्टूडेंट पास, ये जिन्होंने क्वेश्चन थ्री में टैक्स की कैलकुलेशन के अंदर लॉस की एडजस्टमेंट डाली है। क्योंकि जिसको ये कंसेप्ट याद है ना उसको बाकी कंसेप्ट भी याद होंगे। ये कंसेप्ट मुश्किल था। कॉस्ट ऑफ कैपिटल एट 15%। आगे वो रूटीन की बात कह रहा है, एज्यूम के आर कैश फ्लो एट द एंड ऑफ द ईयर अगर होते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 15, इसका क्या मतलब है? डिस्काउंट रेट। तो कैलकुलेट करके देखे नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव आती है कि नेगेटिव आती है, नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव आती है कि नेगेटिव आती है। ये नेट प्रेजेंट वैल्यू तो कैलकुलेट कर लेंगे ना, अब इसमें कैलकुलेशन है, कंसेप्ट कोई नहीं है। लेकिन एक कंसेप्ट है, कह रहा है डिटरमिन द मिनिमम डिस्काउंट रेट एट विच द प्रपोजल वुड बी एक्सेप्टेबल। ये मिनिमम डिस्काउंट रेट एट विच प्रपोजल वुड बी, मिनिमम रेट जिस पे एनपीवी जीरो आएगी, मिनिमम रेट जिस पे एनपीवी, उसका मतलब आईआरआर कैलकुलेट करना है। अब आईआरआर कैसे कैलकुलेट करूं? अच्छा 15% पे एनपीवी नेगेटिव आई है, एक वैल्यू तो एक पॉइंट आ गया, दूसरा पॉइंट चाहिए। अच्छा अब मैं सोच रहा हूं, मुझे बताइए कि मैं सही सोच रहा हूं कि गलत। 15% पे नेट प्रेजेंट वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब है मुझे अब पॉजिटिव एनपीवी लग, तो अपना रेट बढ़ा देना चाहिए, कम करना चाहिए शाह, क्योंकि जितना डिस्काउंट रेट कम होगा एनपीवी बढ़ेगी, हमें एनपीवी बढ़ानी है डिस्काउंट। तो 15 के बजाय मुझे बताइए दूसरा पॉइंट, एक 15 का पॉइंट आ गया, दूसरा 20 का सिलेक्ट करूं कि 10 का? 10 का। आप 11 या 12 का भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये होता है थोड़ा रीजनेबल डिफरेंस हो, ना बहुत ज्यादा क्लोज हो ना बहुत ज्यादा दूर हो। 10% के लिहाज से कैलकुलेट कर लें, उस पर भी एनपीवी आएगी। फिर लगाएंगे हम फार्मूला, फिर लगाएंगे हम आईआरआर, याद है कॉस्ट ऑफ कैपिटल में करते थे, भूल गए होंगे। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल से मुझे भाई ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, कॉस्ट ऑफ कैपिटल से याद आया आपका इस वीक का जो टेस्ट होगा उसमें उसमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी शामिल है, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल भी शामिल है, ताकि आप साथ साथ दोनों टॉपिक्स जो हैं तैयार कर, दोनों बड़े टॉपिक्स हैं फाइनेंस के। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम? सब ठीक है। चलिए आज का फिर लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। मेरी सजेशन ये है एक दफा आप सॉल्यूशन साइड पे करके ना अपने हाथ से ये कैलकुलेशन जरूर करें, ये तीनों क्वेश्चन जरूर करें। ठीक है जी, आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज़।